नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का उपयोग उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का उपयोग सीने में जलन होने पर, हिचकी आने पर, बदहजमी होने पर और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए भी मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मेटोक्लोप्रामाइड एक सॉल्ट नेम है। मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को पेरिनोरम और वोमिनोरम आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को खाली पेट या खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 9 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर मेटोक्लोप्रामाइड 5 mg टैबलेट को दिन में 3 बार और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। और दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में थकान होना, नींद अधिक आना और घबराहट की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि किडनी और लिवर की समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों में मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट की खुराक घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।